देशना इतिहास में कलंकित घटना। पार्लामेंट में देशना युवानों ने धमाल मचावी। घटना ने दुखद गणावता आपना नेता कैलाशदान भाई गढ़वी। नमस्कार। देश के इतिहास में एक कलंकित घटना, जब देश के पार्लियामेंट में कुछ युवाओं ने घुसकर और धमाल किया और गैस बॉम्ब की तरह जो गैस छोड़ते ऐसा आयोजन किया, जो एक समय मामले में दुखद है और निंदनीय है। और सबके साथ में पार्लियामेंट की सेक्रेटरी, जिसकी जवाबदारी होती है कि प्रॉपरली सिक्योर रखे पार्लियामेंट को, वो करने में फेल गए हैं। उसके बाद के घटनाओं में 14 पार्लियामेंट्री मेंबर को सस्पेंड कर देने में आए हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती है। अरे जो जिन्होंने ये काम किया उन्होंने गलत किया, आप समझते हैं? उनका बैकग्राउंड तो चेक करो, वो सब बेरोजगार युवा थे, शिक्षित बेरोजगार थे। उनका फ्रस्ट्रेशन देश की व्यवस्था के विरुद्ध में है। 9.5 साल जो सरकार इस देश में है, उस देश ने जिस तरह देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को नौकरी देने की बात की थी, व्यापार देने की बात की थी, उसमें फेल गई है, जिसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। और जिस तरीके से जो थोड़े बहुत नौकरियाँ आ रही है वो लिमिटेड सेलेक्टेड लोगों को देने में आ रहा है, इनका ये फ्रस्ट्रेशन था कि उस पार्लियामेंट में घुसे बच्चे जय भीम का नारा लगा रहे थे। आज सोचने की बात यह है सरकार को कि जब दिल्ली में कुछ ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट और अच्छे स्पोर्ट्स गर्ल सिर्फ इसलिए महीनों तक अपवास पर बैठती है, धरने पर बैठती है, क्योंकि उनको हैरास करने वाले रेपिस्ट लोग देश के पार्लियामेंट में बैठे थे, तो सरकार के आंख की सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। ये वातावरण इसलिए खड़ा होता है जब महीनों तक किसान पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं और सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है। यह उस समय होता है जब सरकार के द्वारा बने गए कानून, जैसे 2 दिन पहले कानून बनाने में आया कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो सिर्फ जो सरकार सत्ता में वो करे, पहले बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, मतलब वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। जब ऐसे ऐसे कानून बनते हैं तो देश के युवाओं में एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन आता है। सरकारी व्यवस्था और पार्लियामेंट्री व्यवस्था के बारे में अविश्वास खड़ा होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से प्रॉपरली जांच करें, दोषी को दोषी की सजा दे, मगर सरकार भी जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है वो भी जागे और इस देश के युवाओं को उनका हक तक पहुँचाए और हक दिलाए। जय हिंद।